हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोया चंक्स का एक मज़ेदार सा नाश्ता। इस नाश्ते को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से हम बनाकर तैयार करेंगे। सोया चंक्स का नाश्ता बनाने के लिए मैंने एक कप भरकर सोया चंक्स ले ली है। इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया था। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए एक अलग साइड में रख दूँगी, ताकि हमारी जो सोयाबीन है ना, वो अच्छे से फूल जाए। सोयाबीन को एक बार हमें हल्के हाथों से मसल लेती हूँ और ये पानी गिराकर दूसरा पानी डालकर इसको मैं एक साइड में रख दूँगी। 10 मिनट बाद एक बर्तन में मैंने 2 कप पानी डालकर गैस पर रख दिया था। पानी में हमारा गर्म होना शुरू हो गया है। अब सोया चंक्स भी मेरे अच्छे से फूल गए हैं। सारे सोया चंक्स निकाल कर जो मैंने पानी रखा है ना गैस पर गर्म होने के लिए, सारे उसी में मैं डाल दूँगी। गैस का फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया है। अब सोया चंक्स को मैं जब तक कर बनाऊंगी, जब तक कि इनमें हल्का सा बॉइल ना आना शुरू हो जाए। यहाँ मैंने सोया चंक्स में आधी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, ताकि नमक मिर्च का टेस्ट हमारी सोया चंक्स के अंदर तक चला जाए। सोया चंक्स को एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं अपनी सोया चंक्स को एक बॉइल आने तक पका लूँगी। यहाँ सोया चंक्स में मेरा एक अच्छा सा बॉईल आ गया है। इनको भी एक बार फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं अपने गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको उतार कर मैं एक साइड में रख दूँगी। बाउल को मैंने नीचे उतार लिया है और सारी सोयाबीन में एक प्लेट में निकाल लूँगी। सारी सोयाबीन मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। सोयाबीन और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। सोयाबीन को अब हम एक साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। अब इस बाउल में मैं 3 चम्मच भरकर दही डाल दूँगी। अगर आपके पास दही नहीं है या आप दही लेना नहीं चाहते, तो आप इस दही की जगह मलाई भी ले सकते हैं। मलाई से भी हमारी जो ये रेसिपी ना एकदम ज़बरदस्त बनेगी। दही मैंने डाल दी है। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक डालूँगी। नमक हमें कमी लेना है, क्योंकि हमने सबनी सोयाबीन में भी ना नमक और मिर्च डाला है, तो इसलिए हम दही में भी अपना नमक और मिर्च थोड़ा कमी ही लेंगे। यहाँ नमक मिर्च मैंने डाल दी है और 1/2 छोटे चम्मच मैं इसमें अमचूर पाउडर डालूँगी। अमचूर पाउडर डाल दिया है और 1/2 चम्मच मैं इसमें काला नमक डाल दूँगी। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी डाल दिया है और 1 छोटे चम्मच में इसमें जीरा पाउडर डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही और मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें रेड फूड कलर डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कलर भी मैंने डाल दिया है। अब कलर को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढककर एक साइड में रख दूँगी। यहाँ 10 मिनट मेरे बैटर को रखे हुए हो गए थे। कलर ने भी एकदम अपना अच्छा सा कलर छोड़ दिया है। अब मैं बैटर के अंदर 2 चम्मच भरकर अरारोट के डाल दूँगी। अगर आपके पास अरारोट नहीं है, तो आप चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अरारोट भी मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छे से एक बार फिर मिक्स कर लेती हूँ। अरारोट भी मेरे बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया था। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और हाँ, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं बैटर में डालने वाली हूँ अपने सोया चंक्स। दे आप देख रहे हैं एकदम कितने सॉफ्ट बने हैं। फिंगर दबाने से ही ये टूट रहे हैं। अब मैं सारी सोया चंक्स बैटर के अंदर डाल दूँगी और एक बार फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सोया चंक्स मेरे बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है। ये अब देख, मैंने सोयाबीन को अपने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। मैरिनेट करने से ये होगा, जो हमने मसाले डाले हैं ना, और सभी मसालों को और दही का टेस्ट हमारे सोयाबीन के अंदर तक चला जाएगा। यहाँ 20 मिनट मेरे सोयाबीन को मैरिनेट करते हुए हो गए थे। अब जो एक्स्ट्रा मसाला था ना, सारा मसाला सोयाबीन ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। एक बार फिर अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे सोयाबीन को एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं अपने गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। अब इस कढ़ाई में अपना कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करूँगी और ऑयल को गर्म होने के लिए रख दूँगी। यहाँ ऑयल भी मेरा गर्म हो गया था। फिर मैंने एक चमची की मदद से सारी सोयाबीन ऑयल के अंदर डाल दी है।
सोयाबीन में सारी एकदम से नहीं डालूंगी, नहीं तो इन्हें फ्राई करने में दिक्कत होएगी। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा है और हाई फ्लेम पर ही मैंने हल्का सा क्रिस्पी होने तक पका लूँगी। सोयाबीन हल्के से क्रिस्पी होना शुरू हो गई है। सोयाबीन को फ्राई करने में मुझे पूरा 3 मिनट का समय लगा है। गैस का फ्लेम आपको लो नहीं रखना, हाई फ्लेम पर ही हमें सोयाबीन को फ्राई करना है। अगर आपका गैस का फ्लेम लो करते हैं तो हमारी जो ऑयल है ना वो सारा सोयाबीन के अंदर तक चला जाएगा, जो कि खाने में सोयाबीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ मेरी सोयाबीन भी हल्की सी क्रिस्पी हो गई थी, अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। अब सारी सोयाबीन मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल ली है, सारी सोयाबीन मैंने निकाल ली थी। और जो बाकी बची हुई सोयाबीन है ना वो भी मैं धीरे धीरे कर ऑयल में डाल दूँगी और इन्हें भी हल्का सा कलर आने तक पका लूँगी। यहाँ सेकंड बेंच भी मेरा अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब इन सोयाबीन को भी मैं उसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। सारी सोयाबीन में सेम उसी प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ सोयाबीन का नाश्ता मेरा बनकर रेडी हो गया है। है ना कितना क्रिस्पी और कितना मज़े का, खाने में तो ये बहुत टेस्टी बना है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने एक बार इस नाश्ते को बना लिया तो आप डेली बनाना इसको पसंद करेंगे। तो फिर देर किस बात की, जाइए बनाइए, फैमिली एंड फ्रेंड्स को खिलाइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना। इंशाल्लाह फिर आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें।